हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीडीसी रेसिपीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जूसी, सॉफ्ट एंड डिलीशियस बालपुआ रेसिपी। ये सिंघाड़े के आटे के बने हैं और व्रत के लिए स्पेशल रेसिपी है। ये मैदे के मालपुआ से बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं, इसको आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो आइए मालपुआ बनाना शुरू करते हैं। मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका बैटर तैयार करेंगे और उसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग जार में एक कप सिंघाड़े का आटा यानी कि चेस्टनट फ्लोर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच पिसी हुई छोटी इलायची, एक बड़े बनाना को छील कर काट के डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, टेक्सचर भी और जो सिंघाड़े का आटे की कपड़ी खुशबू होती है वो भी इससे दब जाती है। अब इसमें 1/4 कप मिल्क ऐड कर लेंगे और इसको ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बनाएंगे। मिक्सी में चलाने के बाद ये कुछ इस तरीके से पेस्ट तैयार हुआ है, ये अभी भी बहुत थिक है, तो इसमें 1/4 कप मिल्क और डालकर फिर से मिक्सी में चला लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट पेस्ट तैयार है, तो इसे मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। मैंने इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लिया है और जिसमें हमने इसे मिक्स किया था जार में 1/4 कप पानी डाल के वो भी ऐड कर लिया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख ली है, इसमें मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ यानी कि शुगर, और 1 कप भी हमें इसमें पानी डालना है। इसमें चीनी और पानी का रेशियो 1:1 होता है, मीनिंग अगर 1 कप चीनी है तो 1 कप पानी। इसकी जो हम चाशनी बनाते हैं वो हम 1 या 2 तार की नहीं बनाते हैं, बस हमें इसे स्टिकी होने तक देखते हैं यानी कि चिपचिपी हो जाए चाशनी। तो हम फुल फ्लेम करके पहले चीनी को मेल्ट होने देंगे और उसके बाद हम मीडियम फ्लेम करके इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट बाद इसमें हम 1 छोटा चम्मच नींबू का जूस डाल देंगे, उससे चाशनी जब हम इसको रख देते हैं तो गाढ़ी नहीं होती है यानी इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। तो इसको हम डालने के बाद मीडियम हीट पे ही 1 मिनट के लिए और पका लेंगे और उसके बाद गैस बंद कर देंगे। चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है, तो गैस ऑफ करके इसको अलग कर देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए बैटर को भी देख लेते हैं कि बैटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, इसको मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, डालकर इसको अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट और फ्लफी हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए और सोडा डालने के बाद इसे हमें ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए। मालपुओं को शैलो फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम हीट पे तेल गरम कर दिया है। ध्यान रखें ये मालपुए मीडियम गरम तेल पे ही बनते हैं, कम या ज़्यादा गरम तेल पे नहीं बनते हैं। और थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे हम, ये बैटर अपने आप ही अच्छे से बैठ जाता है, तो थोड़ा ही बैटर डालिए और डालने के बाद 2 मिनट तक हम इसे पका लेंगे या जब तक ये नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। थोड़ी देर में स्पून से इस तरीके से इसके ऊपर से ऑयल डाल दीजिए। अगर आप शैलो फ्राई कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो इस प्रोसेस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद गैस को लो मीडियम करके हम इसे फ्लिप करके 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे ही और फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, तो ये दूसरी तरफ से भी पक चुके हैं, इन्हें हम प्लेट पे निकाल लेंगे और दूसरे बैच के मालपुए डाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे मालपुए फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इन्हें चाशनी में डालेंगे। इसी तरीके से सारे मालपुए फ्राई करके हम इन्हें फिर चाशनी में डालेंगे। सारे मालपुओं को हम चाशनी में डाल देंगे, चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए और टोटल 4 मिनट के लिए हम इसमें मालपुओं को डिप करके छोड़ देंगे, 2 मिनट के लिए एक तरफ से और फ्लिप करके 2 मिनट के लिए दूसरी तरफ से। 4 मिनट हो गए हैं, तो हम इन मालपुओं को निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरे बैच के मालपुए भी चाशनी में डिप कर लेंगे। ये मालपुए बहुत ही टेस्टी, बहुत डिलीशियस बनते हैं, सिंघाड़े के आटे की खुशबू का भी इसे बिल्कुल पता नहीं चलता है। आप इसे इस बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप चाहें तो इसे पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हैं या किसी भी ड्राई फ्रूट से जो आपका मन करे। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी मालपुए बने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। थैंक यू, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, हेल्दी रहिए, खुश रहिए।